हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप स्टोरीज। हम बात करेंगे एक कंट्रोवर्सी के बारे में। वैसे तो ये मामला इतना बड़ा नहीं था जितना कि हो गया है। दरअसल हुआ यूं कि समीक्षा सुद ने एक ऐसे ऑडियो पर लिपसिंग कर दी जो उनको नहीं करनी थी। यदि आपने टिकटॉक यूज़ किया होगा तो बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो पर ट्वीट कर रखा है। समीक्षा अपने वीडियो में बोलती हैं, ये जो लड़के लड़कियों को कहते हैं, तुम तो लड़की हो, तुम्हारे फॉलोवर तो होंगे ही। तो भाई सुन, तुम ठरकी हो तो फॉलो तो करोगे ही। तो चलिए इस वीडियो को आप भी देखें। अच्छा, जो लड़के लड़कियों को कहते हैं ना कि तुम तो लड़की हो, तुम्हारे फॉलोअर तो होंगे ही, तो भाई सुन, तुम ठरकी हो, फॉलो तो करोगे। बस इस वीडियो को पोस्ट होने की देर थी कि लोग ऑफेंड होना शुरू हो गए, जो सही भी था, क्योंकि जिसे इज्जत चाहिए वह सामने वालों को इज्जत देना पहले सीख ले। फिर लोगों ने उनके साथ ट्वीट करके अनफॉलो करने के वीडियो डालना शुरू कर दिए, जिनमें से कुछ वीडियो ये हैं। जो लड़के लड़कियों को कहते हैं ना कि तुम तो लड़की हो, तुम्हारे फॉलोअर तो होंगे ही, तो भाई सुन, तुम ठरकी हो, फॉलो तो करोगी। अच्छा, जो लड़के लड़कियों को कहते हैं ना कि तुम तो लड़की हो, तुम्हारे फॉलोअर तो होंगे ही, तो भाई सुन, तुम ठरकी हो, फॉलो तो करोगी। तुम ठरकी हो, फॉलो तो करोगी। तो सारे ठरकियों की तरफ से समीक्षा मैडम, ये वीडियो आपके लिए है कि पैरों की जूती चाहे करोड़ों की हो, उसमें हीरे जड़े हो, चाहे वो सोने की हो, रहती वो हमेशा पैरों के नीचे है। और सर का ताज चाहे 2 कौड़ी का हो, चाहे ठरकी हो, चाहे कुछ भी हो, व्हाटएवर, हाँ, वो रहता हमेशा सर पे है। जब इस तरह के वीडियो ज़्यादा वायरल होने लगे तो समीक्षा को भी लगा मामला शायद ज़्यादा आगे बढ़ गया है, तो उन्होंने इस वीडियो को हटा दिया। हम भी अगर बात करें तो एक बड़े क्रिएटर को ऐसे काम शोभा नहीं देते हैं। यदि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे किसी सामने वाले को ठेस पहुंचे, क्योंकि जो पब्लिक आपको ऊपर ले जाती है वह आपको ज़मीन पर भी ला सकती है। रानू मंडल इसका उदाहरण है। हालांकि इस मामले पर फिर समीक्षा सुद ने माफ़ी भी मांगी, जो वीडियो हम आपको अभी दिखाते हैं। लेकिन कुछ लोग समीक्षा को जवाब देने के चक्कर में फिर से गधों वाले काम कर गए। अरे, हो गई गलती उससे, उसको एहसास भी हुआ, लेकिन आपने जवाब में क्या किया? दिखा दी ना अपने अक्ल की कमी। वीडियो बनाओ भी तो भी लिमिट में। आई होप आप लोगों को भी मेरी बात समझ आई होगी। भविष्य में आप में से ही कोई स्टार बन सकता है, तो संभल कर रहना सीख लो। अब देखिए समीक्षा सुद का माफ़ी वाला वीडियो। हेलो एवरीवन, तो मैंने एक वीडियो बनाया था और जिसमें बहुत सारे लड़कों को बुरा लग गया है और वो बोल रहे हैं कि मैं लड़कों की रिस्पेक्ट नहीं करती। मैं लड़कों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, वो सिर्फ एक कंटेंट था और मेरी किसी को हर्ट करने की कोई सोच नहीं थी। मैं किसी को हर्ट करना नहीं चाह रही थी, वो सिर्फ एक वीडियो थी और वो भी मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि उन लड़कों के लिए जो ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोला था मैंने। खैर, मुझे ये बात समझ में आई है कि मेरे ऊपर इस टाइप की वीडियोस नहीं सूट करती हैं, तो मैं आज के बाद ऐसे वीडियोस नहीं बनाऊंगी। एंड रियली सॉरी अगर किसी को भी बुरा लगा है तो या हर्ट हुआ है तो, मैं ऐसी इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ।